नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल जेबीडी वॉच में। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि कैसे एक पुत्र अपने माता से इतने प्रश्न करता है जिसके उत्तर माता सहज नहीं दे पा रही। कहीं ना कहीं माता को तकलीफ हो रही है ये सारे प्रश्नों के उत्तर देने में। अब जिस बात का भय था कि उस शक्ति पुंज के स्रोत को देवराज इंद्र भी तलाश कर रहे हैं और हमारे शुक्राचार्य, तो इस पूरे प्रकरण में एक डंबनाथ को आप सभी लोग जानते ही होंगे, उनको भेजा जा रहा है कि जाओ और शक्ति पुंज का अनुमान लगा के आओ कि वो कितनी शक्तिशाली। और एक नए असुर की एंट्री है, माथे पे तेरे बटरफ्लाई बटरफ्लाई असुर। तो देखते हैं डंबनाथ का क्या हाल होता है, वहां जाने पे क्या टकराव होगा, ये देखने के लिए हमें चलना पड़ेगा एपिसोड में। तो शुरू करते हैं एपिसोड 5 पार्ट 2। स्मरण रखना, तुम्हारा कार्य केवल उस बालक को ढूंढना है और मुझे सूचित करना है। ओहो, और शीघ्रता करना, क्योंकि सूर्योदय के साथ ही इंद्र भी वहां पहुंचेगा। इतनी उत्सुकता। डंबनाथ आ गए, लग तो यही रहा है भाई, इनके पैर का भूकंप। माता बेचारी इतनी थकी रहती है कि उनको नींद आती है एकदम। जय एकदम हमें तो ऐसा लगता है डंबनाथ की जगह तितली सुपो कोई बेहतर से ज्यादा बेहतर था, उड़ के जल्दी पहुंच जाती है। पता भी लगा लेती भाई, भाई। तो स्विमिंग पूल बनाने की तैयारी है, देखिए दो पैर रखने बन जाएगा। अब खाना खा के भाई लाल निकल ले। असुर है ना, नरभक्षी। पाताल में गुरु शुक्राचार्य ने जब मुझे मेरा प्रिय भोजन करने से रोका तो मुझे बड़ा क्रोध आया, परंतु अब समझ में आया कि गुरु का हर एक निर्णय शिष्यों पे हित में होता है। यहाँ सूर्य लोक में रसीले स्वादिष्ट पक्षियों का भक्षण करने को मिलेगा। पक्षियों का भक्षण। मुझे बचाओ। रुक जाओ, कैसे राखी सो छोटे पाले को उल्टा लटका के रखा है, बहुत तेज दुर्गंध आ रही है। राक्षस पर दंत वंजन करने का प्रतिबंध लगाया क्या? शनि जी की सवारी भी तो कब आई है। मुझे बचाओ। क्षमा करना माता, बचाओ। मुझे न्याय का आह्वान सुनाई दे रहा है।
मुझे पुनः वन से बाहर जाना होगा। माता ने जो दिया था वो गिर गया। शनि 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 पवन से बाहर भी चले गए हैं और सूर्यास्त से पहले अंदर भी आना। शनि कहाँ गया? अच्छा हुआ यहाँ पर मिट्टी थी, नहीं तो अच्छा राक्षस जी हवा में उल्टा झूला झूलकर बड़ा आनंद आया। अब विदा चाहता हूँ, विदा विदा। कहाँ जा रहे हो? तुम भूल रहे हो, तुम मेरा भोजन हो। भूल तो आप रहे राक्षस जी, तो पक्षी कहते हैं और मैं पक्षी थोड़ी हूँ, मैं तो छोटा सा बालक हूँ। मन से सीधा, तन से गोल, छिटकू मटकू गोल मटोल मन से सीधे, तन से गोल, छुटकू मुटकू गोल मटोल का गोल। मुझे मत कहो, मुझे मत कहो, मुझे मत कहो। कोई तो बचाओ। द फ्लैश। एंट्री तो भाई तुम सुपर हीरो हो। मार्ग रोकने वाले कौन हो तुम और कहां से आए हो? इस बालक से दूर हटो। यदि इससे दूर नहीं हटा तो मैं आगे बढ़ूंगा तुम्हें सीमा में रखने के लिए। पेटेंट डायलॉग है भाई। और पीछे जो साउंड आता है वीडियो में बड़ा खतरनाक आता है। अद्भुत, आज का दिन शुभ है, महाभोज मिलेगा। दो दो बालक, एक तन से गोल, एक बुद्धि से गोल। ये निकल रहा भाई सही है। चले गोल मटोल काकोल काकोल। माता कहती है ना कि जब दो बड़े बात कर रहे हो तब उनके मध्य में छोटे बालकों को
रहना चाहिए। जिस प्रकार से शनि देव अपनी सीमा लांग गए जंगल की, वन की, इसलिए क्योंकि किसी ने रक्षा के लिए, न्याय के लिए आह्वान किया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि माँ का वचन है, या मेरे प्राणों को उल्लंघन कर रहा हूं, या मेरे प्राणों को कोई हानि भी हो सकती है। कहीं ना कहीं अपने न्याय के प्रति कर्तव्य निष्ठा के कारण ही उनको ये पद मिला है। और हमें देखने को भी लग रहा है अब कि कहीं ना कहीं शनिदेव की जो अकेलापन वो अब दूर होने वाला है, क्योंकि जहां तक हम लोग जानते हैं कि शनिदेव की जो सवारी है वो कौवा ही है, तो काकोल उनके मित्र बन करके उनके साथ रहेंगे, उनका जीवन थोड़ा सा सुखमय शायद। लेकिन देखने में तो मजा ये आ रहा है कि हर बार सुपर हीरो की तरह एंट्री दे रखी है, कायदे का बीजीएम दे रखा है, एकदम मजा आ रहा है। फिलहाल अभी हमें देखना है डंबनाथ समाप्त कैसे होंगे, या डंबनाथ की ये क्षुधा भूख समाप्त कैसे होगी, ये दोनों देखने के लिए हमें चलना पड़ेगा अगले एपिसोड में। फिलहाल इस एपिसोड से हम विराम लेते हैं, तब तक के लिए राधे राधे।